आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोग खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में एक मानव श्रृंखला बनाकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजपुर रोड पर एसले हॉल से लेकर दर्शनलाल चौक तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मानव श्रृंखला बनाई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। आज मानव श्रृंखला बना करके कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के आंदोलनरत हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। हालत यह है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है महंगाई बढ़ेगी। एक और गरीब आदमी जो है कोरोना की महामारी से जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है, ऊपर से सरकार ने जो है गरीब आदमी के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया, महंगाई को बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार का विरोध करने का काम किया और हम केंद्र की सरकार से और राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको कम करने का काम करें। वहीं दूसरी तरफ जब महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बूढ़ा बता दिया। अब कांग्रेस का तो हर बात पे प्रोटेस्ट है, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, वो इतना ही कर सकते हैं, बूढ़े बैल जैसी हालत हो गई कांग्रेस की। न्यूज स्टूडियो के लिए देहरादून से सौरभ सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।